अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे खान इलेक्ट्रिक चैनल और मेरा नाम है लियाकत अमीन। व्यूअर, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई है कि ऐसी जगह जहाँ पर लाइन में पानी बहुत कम आ रहा हो या वहाँ पर प्रेशर कम हो, या ऐसे लोग जहाँ वो शिकायत करते हैं कि भाई पानी आता है लेकिन जब शुरू में प्रेशर ठीक होता है लेकिन उसके बाद प्रेशर आहिस्ता कम हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे लोग मोटरें ऑन कर देती है तो जिसका मोटर हैवी हो तो सारा पानी वो खींच लेता है और हमारे पास पानी बहुत कम आता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जहाँ पर पानी का प्रेशर कम होता है और वो चाहते हैं कि हम कम टाइम में ज़्यादा पानी भर दें। तो इस पे जो ये लाइन है इस पे हमने दो मोटरें लगाई है, एक ये डेवी का मोनोब्लॉक पंप है और एक ये डंकी पंप है। मोनोब्लॉक पंप का प्रेशर बहुत हैवी होता है, तेज़ होता है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि ये खींचता नहीं है पानी। जब तक इसके मुंह तक पानी नहीं आता ये नहीं खींचता, और डंकी पंप जो है ये पानी खींच लेता है चाहे जितना भी दूर हो। तो ये दोनों को हमने इस एक ही लाइन पे लगा दिया है। ये लाइन है और ये मोनोब्लॉक पंप है और इसके साथ ही हमने कनेक्ट किया है डंकी पंप। तो अभी तो लाइन में पानी नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे मैन्युअली चेक करा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करेगा। पहले हम इस डंकी पंप को चालू करेंगे और उसके बाद फिर हम ये मोनोब्लॉक पंप ऑन करेंगे और दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है, आया हमारा प्रेशर इसमें बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर जो भी वर्ड मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल खान इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उसको बर वक्त मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने थोड़ी देर के लिए इसका माइक बंद कर दिया है ताकि, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया। ये मैंने बाल्टी में पानी रख दिया है ताकि मैं इसको आप लोगों के सामने चेक कर सकूं। तो सबसे पहले हमने इस डंकी पंप को ऑन करना है और उसके बाद जो है ना ये दूसरा मोनोब्लॉक पंप ऑन करना है। तो इसको ऑन करते हुए मैं इसका साउंड दोबारा ऑन कर दूँगा। तो पहले मैं डंकी पंप को ऑन करूँगा। व्यूअर्स, आपने देखा कि इससे पहले जो है ना गंदा पानी निकला, क्योंकि यहाँ पर अक्सर महीनों बाद पानी आता है तो अक्सर ये इसके पंप के अंदर रह जाता है और वो गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले वो निकल गया, तो चलो पंप की सफाई हो गई है। आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और इसके बाद हम ये दूसरा पंप भी ऑन करने वाले हैं। वो ऑन करेंगे तो फिर आप इन दोनों मोटरों का प्रेशर देखे के कैसा है। वीवर, इन दोनों मोटरों का जो ब्रेकर मैंने लगाया है वो थोड़ा ऊपर है, तो बस अब चंद सेकंडों के बाद दूसरा पंप भी ऑन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें और इसको पूरी तरह देखें और अपने घर में भी ये ट्राई करें। अगर आपके घर में भी इस तरह का ब्रेकर कम आ रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब आप इसका प्रेशर देखिए, अभी इस वक्त दोनों मोटरें चल रही है। पहले आपने देखा कि सिर्फ एक ही मोटर चल रही थी डंकी पंप, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा पंप चालू कर दिया, ये डेवी का जेट पंप साथ में ऑन कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसका प्रेशर कितना बढ़ गया है।
अभी हम इसका टंकी पंप को बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं कि इसका प्रेशर में कोई फर्क आता है नहीं। को बंद कर दिया है, टंकी पंप बंद कर दिया और सिर्फ मोनोब्लॉक पंप कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रेशर से पानी ये खींच रहा है, इस तरह ये लाइन से भी खींचेगा। अब जबकि लाइन का पानी तो नहीं है, तो इसलिए हमने इसको बाल्टी में पानी रख के आपको चेक कराया। तभी वर्ष अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।